नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर ललित कसाना और स्वागत है हमारे व्लॉग चैनल पर। और आप सोच रहे होंगे सबसे पहले तो भैया डॉक्टर साहब डेली इसी उसमें ही क्या बोलते हैं स्वेट शर्ट में ही नज़र आ रहे हैं। तो हुआ क्या है, डॉक्टर पूजा ने सर्दियों के सारे कपड़े रख दिए हैं अंदर और मैं क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर जो है उठ के आ रहा हूँ 5 बजे, तो सुबह सुबह भी होती है ठंड और मुझे ढूंढने में बस एक यही सिर्फ जो है फुल बाजू का मिला, क्योंकि मच्छर खाते हैं बहुत ज़्यादा। और तो अभी डेली आपको इसी में ही देखना पड़ेगा। अभी तो मैं निकलवाने वाला तो नहीं हूँ उनको वापस। और ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त, अभी योगा ख़त्म कर लिया है और योगा ख़त्म करने के बाद अभी प्रॉपर मैं जो इधर वॉक कर रहा हूँ। और दोस्तों मुझे एक चीज़ और लगा कि जैसे मान लो हम व्लॉग बना रहे हैं, अब कोई भी आदमी व्लॉग क्यों देखता है। आजकल क्या है कि आजकल हर कोई व्लॉग्स वगैरह देखता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। सर व्लॉगिंग और इंटरनेट का मतलब मेरे हिसाब से तो यही हो गया है कि भैया हाय उल्ला मचाओ व्लॉग में, हाय हो ये वो। तो ये सारी चीज़ें देखो हमसे तो होने वाली है नहीं, है ना, क्योंकि हमारा तो भैया सिंपल फंडा है व्लॉगिंग इज़ लाइक कि जो आप हैं वो लोगों को दिखाओ, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हों और कुछ ऐसी चीज़ें भी हों कि जिससे आपको कुछ फ़ायदा तो मिले। एटलीस्ट अगर आप अपने 15-20 मिनट के व्लॉग में दे रहे हो तो एटलीस्ट उतना टाइम जो है उसमें लगना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया है ना, हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा बिजी और खामा खा का बिजी, मतलब इतना ज़्यादा कि किसी से भी पूछो कि भैया क्या हाल है, क्या कर रहे हो यार, मिलते नहीं जुलते नहीं, अरे भैया बहुत बिजी हैं, अरे यार बिजी हैं, अरे काहे के बिजी यार। और ठीक है, जैसे मैं मानता हूँ, मान लो मैं बिजी हूँ, मैं बिजी क्या हूँ, मैं अपने आप को वक्त देने में बिजी हूँ। ये टाइम जो अभी वाला टाइम है ना, ये टाइम मतलब ये मेरी कमाई है, एक्चुअल कमाई जो मैं सुबह सुबह अपनी बॉडी के लिए अर्न कर रहा हूँ, अपनी बॉडी के लिए एक टाइम निकाल रहा हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको देखो एक बहुत बढ़िया चीज़, एक लॉजिकल चीज़ बताता हूँ जो अपनी हेल्थ के लिए हम नहीं करते हैं। बजरा है 7, ठीक है, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी जगह है, आपको दिखाई देगी। और ये JP है जहाँ पर सोसाइटी, मुझे लग रहा है कम से कम भी पूरी सोसाइटी में कम से कम मतलब मिनिमम 2500-3000 आदमी तो यार रहता ही होगा, इससे कम तो क्या रहता होगा। और बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन 7 बजे भी आप देखो कि आपको कितने लोग दिखाई देंगे, मतलब गिने चुने ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लोग, मैं कह रहा हूँ 25 लोग 50 लोग। तो ये वो सौभाग्यशाली लोग हैं कि जो अपने उसके लिए कुछ जो है थोड़ा बहुत जो वक्त है वो वक्त वो जो है निकाल के अपना पूरा टाइम जो है उस चीज़ को दे रहे हैं। बट हम में से कितने लोग हेल्थ के लिए दे रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वक्त जो है अपने लिए देना पड़ेगा। सुबह सुबह कितना भी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, अपने बिजी स्केड्यूल से आप टाइम निकालिएगा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक अपना कीजिएगा, अपनी हेल्थ के लिए जितना कर सकते हैं वो कीजिएगा, बिकॉज वही आपकी एक्चुअल कर रहा था। और देखिएगा क्या बेहतरीन मौसम हो गया है, बारिश पड़ने लगी है और जैसे ही बारिश पड़ती है मतलब इस शहर की खूबसूरती ना 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि और कहीं पे भी किसी शहर में अगर बारिश पड़ती है तो गारा कीचड़ हुए बुरी हालत हो जाती है, लेकिन ये शहर ऐसा है कि बारिश पड़ेगी तो इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, रोड क्लीन हो जाते हैं, पत्ते एकदम हरे दिखने लगते हैं, तो बहुत जबरदस्त माहौल नजारा। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं गुड़गांव और एक डॉक्टर है उनके साथ मीटिंग थी तो उधर जाना है। और अगर गुड़गांव जा रहे हैं और डॉक्टर पूजा एक जगह ना जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और पीछे से कॉल भी आ रही है, किसकी? अंकुर भाटी जी की। ओह माय गॉड, चलो तो अभी पहले भाटी जी का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाटी जी। ये भाटी जी कह रहे थे कि दुबई तुमको लेके चलते हैं, दुबई नहीं वहाँ का था ना, अभी हो रहे तो दुबई का कट कट करो। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं गुड़गांव, एक डॉक्टर के साथ मीटिंग थी और जब गुड़गांव जा ही रहे हैं तो हम गुड़गांव जाएं और एक डॉक्टर पूजा की खास जगह ना जाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जगह का नाम हम हाँ निबर्ट, आपके बर्थडे पे तो गए थे लाल्ट ईयर, मतलब एक साल से ज़्यादा हो गया, तो आज उधर डिनर भी करेंगे, अच्छी जगह आपको वो भी दिखाएंगे। डॉक्टर पूजा वाला नहीं, वो लोगों ने बहुत सारे काफी एक साल पहले जिन लोगों ने नहीं देखा होगा ना व्लॉग तो देख लीजिएगा, डॉक्टर पूजा के बर्थडे का व्लॉग था। एंड आज अंकुर भाटी जी का बर्थडे है और भी आपको पता ही है कि भाटी जी जब कुछ करते हैं तो बड़ा ही करते हैं, तो ऑलमोस्ट फाइनल था वो मालदीव्स
सेलिब्रेट करने का सोच रहे थे, वहाँ पे क्रूज उन्होंने किया हुआ था, एक बढ़िया रिजॉर्ट है, मुझे नाम क्लिक नहीं हो रहा, 7-star रिजॉर्ट है, वहाँ पे उन्होंने वो बुक किया था। बट हमारा क्योंकि क्लिनिक का लगभग 4-5 दिन का था, तो क्लिनिक हम ऑफ कर नहीं सकते थे, तो इसीलिए हमने अभी उनको अभी मना कर दिया है। तो सॉरी भाटी जी, अंकुर जी, अभी हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, फिर मालदीव्स नहीं, आपके ऑस्ट्रेलिया का टूर देखेंगे इस बार फिर जो है। और अभी हम चल रहे हैं, देखते हैं, बहुत बढ़िया मजा है। तो भाई टाइम हो चुका है, 8 बज गए हैं, 8 अभी अब पूरे नहीं बजे, थोड़े से बजे हैं 8, है ना, 7:59 हो रहे हैं, और हमें भूख लग रही है बहुत तेज से, बस जल्दी से हम पहुंचने वाले हैं। हमने नीचे से यूटर्न गलत वो ले लिया था टर्न, इसलिए अभी यूटर्न लेके वापस जा रहे हैं, और हमें जाना है उधर उस बिल्डिंग में। देखिएगा भैया अभी आ चुके हैं, एंड देखिएगा बेहतरीन एम्बियंस है यहाँ का। देयर इज कैमरॉन। दोस्तों अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो आप इधर आ सकते हो, खमोरिन, ये मनीष मल्होत्रा का है और बहुत अच्छा है ना। आई थिंक मुझे देख के ऐसे लग रहा है, पूरी भीड़ बहुत है आज यहाँ पे, फुल सा लग रहा है मुझे। दोस्तों देखिएगा ये रोज वाटर जो है, लास्ट टाइम हमें पसंद नहीं आया था और हमें पता था कि हम नहीं पियेंगे, आज हमने गलती से फिर दोबारा वही मंगवा लिया है, देख के याद आ गया। दोस्तों ये है दही वड़ा, अभी हमने ऑर्डर किया है पनीर दही वड़ा, दिस इज वड़ा पाव एंड दही वड़ा। कैसा लगा आपको? अभी इसका तो नंबर ही नहीं आया। तो भी हम निकल चुके हैं अभी कैमरॉन से और कॉमरन। अरे भैया मेरी तो दर्शकों को मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, मेरे मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर पूजा मुझे हर बार, जब भी मैं मालदीव्स के बारे में बताता हूँ तो डॉक्टर पूजा हर बार कहती है मुझसे कि ये नहीं, ये मालदीव नहीं, मालदीव होता है, लेकिन हमारे मुँह से तो भैया मालदीव्स ही निकलता है। तो आज का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा खाने का? आज मुझे थोड़ा ओके लगा। हाँ, इससे अच्छा हम ट्राई कर चुके हैं। हाँ, सेम एक्सपीरियंस बिल्कुल मेरे साथ भी रहा। अब या तो हमारे टेस्ट बर्ड्स जो है वो ज्यादा ऊपर लेवल पे पहुंच चुके हैं, हाँ नहीं, स्काई हाउस भी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो मतलब मुझे जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो वाव वाली फीलिंग आती थी ना खा के, वो ऐसा कुछ आज आई नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने इतनी बार खा लिया है कि अब वो टेस्ट लगता है नहीं। हाँ, ये भी हो सकता है। नॉर्मली टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है, पीछे आप देखो बढ़िया है। तो होराइजन 2 टावर है ना, यहाँ पे आप आ सकते हो। दोस्तों भी गुड़गांव से वापस आ चुके हैं और टाइम हो चुका है 11 पूरी तरह से, 11:30 बज रहे हैं, पूरी तरह से नींद आ रखी है। और बस अभी जो है हमें अभी कुछ कंपनी का काम करना है अर्जेंट जो है, तो इसलिए मुझे 12:30 बज जाएंगे सोते सोते हमें जो है, और अब सुबह 5 बजे फिर उठना है, तो बहुत बिजी स्केड्यूल जो है वो चल रहा है। और डॉक्टर पूजा आके जो है अभी अपना जो है उसमें लगे हुए हैं, और ये देखिएगा महाराज, ये भी जो है अभी भी जगे हुए हैं। चलो जो दोस्तों सोते हैं, मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे व्लॉग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर करो, और मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहो, और मेरे जो और बाकी चैनल्स हैं उनको भी आप जरूर फॉलो करो। धन्यवाद।